उन बीमारू राज्यों में जो कांग्रेस की विरासत थी, कांग्रेस की लेगेसी थी, उसमें सबसे पहले कोई राज्य बाहर निकलने का प्रयास किया जिसने, तो मध्य प्रदेश ने किया। अब 10% आर्थिक विकास हो जाए, आज की विश्व की स्थिति में यह कल्पना से बाहर है। और यह नहीं कि एक बार हो, हर वर्ष मध्य प्रदेश की प्रगति की गति देश के आर्थिक विकास की गति से 2-3% आगे रहती है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है स्वाभाविक रूप से कृषि का है। अब वर्ष भर वर्ष जिस खेत में पानी नहीं था, जिस खेत के लिए बिजली नहीं थी, जो कांग्रेस की विरासत थी, वो हर साल 20% की वृद्धि कर दे और मध्य प्रदेश देश का एक प्रकार से एग्रीकल्चरल या ग्रेन बाउल बन जाए, ये 2003 की कल्पना नहीं थी। आज देश के साथ अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, एक बीमारू राज्य को ले आना और लाना ही नहीं, उसको अग्रसर लाकर खड़ा कर देना, इसके लिए मैं तो मध्य प्रदेश सरकार को और शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूं।